हेलो, इस वीडियो में आपको जो भी एवोल्यूशन के मेथड जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो एवोल्यूशन क्या होता है हम समझ ही चुके हैं कि इसके आधार पर हम सेल डिसाइड कर सकते हैं, इंसेंट की वेजेस क्या होती चाहिए, ये चीज का निर्धारण भी हो जाता है। अर्थात जो कि आपस में तुलना करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि उसकी महत्ता उसकी इम्पोर्टेंस का पता पड़ सके। यहाँ पे मेथड की बात कर रहे हैं तो पहला मेथड आता है श्रेणी विभाजन विधि। श्रेणी विभाजन विधि बहुत इजी विधि है, सरल है, समझना भी आसान है बहुत। इसमें सबसे पहले हम जोग की आपस में तुलना करते हैं, कई सारे जोग होते हैं उनकी आपस में तुलना की जाएगी। इसके बाद हम उन्हें श्रेणीबद्ध करेंगे। श्रेणीबद्ध का मतलब हुआ कि उसमें कर्तव्य, उत्तरदायित्व, योग्यता और उसकी उपाधेयता। पर्टिकुलर एक जॉब में कितना कर्तव्य, कितना उत्तरदायित्व, कितनी उपाधेयता होनी चाहिए उसकी तुलना अन्य जॉब से की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि इन जॉब में ये योग्यता चाहिए, इन जॉब में ये कर्तव्य चाहिए, इसकी महत्ता जो है वो ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंस कम। मूल्यों का मापन नहीं करती है उसमें क्या करते हैं, श्रेणी जो मैं आपको बताई थी श्रेणियां, इनके आधार पर श्रेणी बनेगी आपकी, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि इस जॉब के लिए ये सैलरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी उपाधेयता ज्यादा है, इसमें कर्तव्य ज्यादा चाहिए, इसमें उत्तरदायित्व ज्यादा चाहिए। तो ये विधि तो बहुत ही सरल है, कोई साइंटिफिक तो है नहीं, ये बहुत इजी विधि है। कुछ भी नहीं करना है, केवल जॉब की आपस में तुलना करनी है, तुलना करने के बाद देखना है श्रेणी बनानी है। श्रेणी कैसे बनेगी कि कितनी कर्तव्य चाहिए, कितने उत्तरदायित्व चाहिए, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, ताकि उसके आधार पर वेतन का निर्धारण कर सके। ये विधि बहुत प्रचलित कम है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, बहुत इजी वे में हो जाती है। मानवीय भेदभाव इसमें हो सकता है कि आपने बोल दिया कि हाँ इसकी कर्तव्य ज्यादा है, इसकी कर्तव्य तो कम है, इसकी उपादेयता ज्यादा है, इसकी उपादेयता कम है, मन से बना लिया आप। इस कंडीशन में आपका वेतन का जो विषमता है वो ज्यादा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि साइंटिफिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है आपके पास। और जब तक तो साइंटिफिक नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगी, आपके द्वारा आए गए रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। समझने में चाहे वो आसान हो सकती है, इजी हो सकती है, करने में भी इजी हो सकती है, खर्चीली भी ज्यादा ना भी हो, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए छोटे संगठन के लिए ये अति उत्तम है, बड़े संगठन के लिए ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर एक जॉब का मूल्यांकन करना इतना इजी नहीं हो पाता। एक छोटे संगठन में हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे समझा भी जा सकता है और कुछ हद तक लिमिटेशन इसमें आ सकती है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। ये विधि आपकी श्रेणी बोलते हैं। सेकंड देते हैं क्लासिफिकेशन देते हैं, वर्गीकरण। नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्लासिक कैसे क्लास बनाए जाएंगे। सबसे पहले तो वही जॉब की आपस में तुलना, सबसे पहली बात एक जॉब की अन्य जॉबों से तुलना आपस में। दूसरा फिर इसका हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जॉब स्टेटमेंट, विवरण, रिटर्न होता है जो प्रत्येक जॉब का प्रत्येक विवरण तैयार किया जाएगा तुलनात्मक अध्ययन, जो तुलना से जो कंक्लूजन आ रहे हैं, निष्कर्ष आ रहे हैं, उनका एक विवरण तैयार किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके मूल्य ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक जॉब में कितने मूल्य की आवश्यकता है, चाहे वो स्किल की बात करें, चाहे वो ट्रेनिंग की बात करें, चाहे इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो किए जाने वाले जो वर्क होते हैं उसके बारे में बात करें, क्या किए जाएंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या फिर आपके LDC, UDC, ये सब जो है जॉब के अनुसार हम देखेंगे, जिससे कि उनका वेतन निर्धारित हो सके। यानी कि वेतन मतलब हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो वेतन ज्यादा होगा, उससे लो है तो सैलरी कम होगी। तो किसकी पोस्ट बड़ी है, किसकी पोस्ट छोटी है, किसका जॉब इम्पोर्टेंट है, किसका जॉब कम इम्पोर्टेंट है, जब तक ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक वेतन निर्धारण नहीं होगा। वेतन निर्धारण करने के लिए, रिम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए आपको श्रेणियां बनानी होगी, क्लासिफिकेशन करना होगा और देखना होगा कि कौन सी पोस्ट प्रशासकीय है और कौन सी पोस्ट प्रशासकीय नहीं है। सुपरविजन, फोरमैन, लेबर, मैनेजर्स, प्रेसिडेंट आदि आ जाए। जब तक इसका निर्धारण नहीं हो जाता, इंसेंटिव वेजेस, वेजेस और सैलरी का निर्धारण भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट माना गया है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो जो सैलरी आप लेते हैं उनका निर्धारण क्लासिफिकेशन मेथड के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की लोअर, यूडीसी आदि का वेतन सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। ये मेथड जो है आपका सही यथा विवरण नहीं देता है, क्योंकि जहां इम्पोर्टेंस प्राप्त होती है वहां में लिमिटेशन भी होती है। इसके आधार पर जो वेतन निर्धारित आपने किया है ऐसी गलती हो सकती हो सकती। फिर भी इसका यूज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करना उत्तम माना गया है। तो ये दो मेथड मैंने आपको यहां बता दिए। पहला मेथड बताया मैंने आपको श्रेणी विभाजन विधि, जिसमें श्रेणियां बनाई जाएगी, सिंपल है, सरल है, समझने में भी आसानी है, साइंटिफिक साइंटिफिक नहीं है, लॉजिक नहीं है और छोटे संगठन के लिए अति उत्तम है। दूसरा क्लासिफिकेशन मेथड, जिसमें भी तुलना की जाती है, उसके मूल्य ज्ञात किए जाते हैं, मूल्यों के आधार पर उसकी जो पोस्ट होती है, चाहे प्रशासकीय हो, चाहे LDC हो, चाहे UDC हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उनके आधार पर वेतन निर्धारित किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये विधि सबसे उत्तम मानी गई है। इसके फिर भी इसमें कुछ ऐसी गलती है यथार्थ नहीं। बाकी जो मेथड इसके दो बचे हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके चार ही मेथड अति उत्तम माने गए हैं। श्रेणी विभाजन, वर्गीकरण, घटक तुलना विधि, दो विधि का जो विश्लेषण है हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।